हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एम्स में चल रहे कैंसर सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह शामिल हुए हैं। साथ ही किताब आशा और उपचार का विमोचन भी किया गया। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि देश में लगातार एम्स की संख्या बढ़ने से आयुष्मान कार्ड के कारण रोगियों का इलाज कराना अब और ज्यादा आसान हो गया है। यूरोलॉजी विभाग ने कैंसर के 500 मरीजों को ठीक कर नया रिकॉर्ड बनाया है। कैंसर मरीजों का इलाज लगातार जारी था, जिसमें एम्स के कैंसर सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां पर एम्स में कैंसर सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया। आयुष्मान कार्ड से इलाज में काफी ज्यादा आसानी लोगों को मिली है और साथ ही इस प्रोग्राम के माध्यम से आयुष्मान कार्ड से इलाज को लेकर बातचीत की गई और उन्होंने कहा कि लगातार कैंसर की अवेयरनेस लोगों तक ठीक पहुंच पा रही है और अभी तक 500 से भी ज्यादा कैंसर मरीजों का इलाज किया जा चुका है। तो वहीं आयुष्मान कार्ड होने से इलाज में भी काफी आसानी आई है। 500 कैंसर मरीज ठीक कर एक नया रिकॉर्ड भी बनाया गया है। बड़ा दिन और बहुत सौभाग्यशाली दिन था कि आज का जो मकसद था वो किस प्रकार से यूरोलॉजिकल कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और बहुत नम्रतापूर्ण एम था कि किस प्रकार जो गैप्स हैं उनको क्लोज किया जाए। इसके ऊपर में हम किस प्रकार से अपने समाज को जागरूकता करें। सबसे पहले मैं एम्स ऋषिकेश के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय को इस लेवल तक लेके आए और उन्होंने 500 पेशेंट्स को जो ठीक करने का एक रिकॉर्ड बनाया है। भारत सरकार के नीति आयोग ने शुक्रवार को एसडीजी 2023-24 की रिपोर्ट को जारी किया है। रिपोर्ट में उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर खरा उतरते हुए पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है। इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद और सहयोग से ये उपलब्धि हासिल हुई है। नीति आयोग को लेकर एसडीजी रिपोर्ट तैयार की गई है, जहां पर सतत विकास के लक्ष्यों पर खरा उतरा है। उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त हुई है। सतत विकास के लक्ष्यों पर खरा उतरा है, जहां पर उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल हुई है। दरअसल सीएम ने सतत विकास के लक्ष्यों पर बात की और उन्होंने कहा कि जो हमारे लक्ष्य थे उसकी प्राप्ति हुई है, जिससे नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट भी तैयार की गई, जिसमें ये जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक का आयोजन 14 साल बाद किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं इस बैठक का आयोजन हर 6 महीने में किया जाए। साथ ही आगामी बैठकों में एससी और एसटी आयोग के अध्यक्ष को भी विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामलों का समयबद्धता से निस्तारण हो, इसके लिए न्यायालयों में भी नियमित पैरवी की जाए। शिकायतें प्राप्त होने पर एफआईआर की कार्रवाई तत्काल की जाए और पुलिस द्वारा विवेचना तेजी से की जाए। अधिक समय से लंबित मामलों पर मिशन मोड पर निस्तारण किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि पीड़ितों को अनुमान्य सहायता राशि जो है वो यथाशीघ्र मिल सके। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। सीएम ने अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां पर सीएम ने आपको बताते चलें कि अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की, जहां पर तमाम दिशा निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं
और साथ ही अध्यक्षता में यहां पर बैठक की गई। राज्य स्तरीय सतर्कता अनुश्रवण समिति अनुसूचित जाति को लेकर यहां पर बातचीत की गई है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है। अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। देशभर में अग्निवीर योजना को लेकर एक बार फिर से सियासत देखने को मिल रही है। देहरादून बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में उत्तराखंड सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सैनिक कल्याण मंत्री का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अग्निवीर योजना का दुष्प्रचार कर रहे हैं। जनता कांग्रेस की नीतियों को समझ गई है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। उसे विवाह किया जाता था, उनकी हत्या तक कर दी जाती थी, उसको कानूनी काम किया था भूषण सिंह धामी सरकार ने किया। और लैंड जिहाद के खिलाफ अगर आपने देखा होगा, उन फैसलों का प्रभाव एक संदेश पूरे देश के अंदर है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। खबर उत्तराखंड से, जहां पर बीजेपी की 15 जुलाई को विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है, जिसको लेकर पार्टी नेता बैठक की तैयारियों में जुटे हैं। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाली बैठक को देखते हुए पदाधिकारियों की अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं, जिसके तहत कार्य समिति का प्रस्ताव भी तैयार करने समेत साहित्य, आवास, मीडिया समेत तमाम व्यवस्था को लेकर अलग अलग समिति भी बनाई गई है। बैठक में पार्टी के 1350 प्रतिनिधियों के साथ खास मेहमान के तौर पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। प्रदेश प्रभारी, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के प्रमुख सभी नेताओं का पार्टी पदाधिकारियों को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। भारतीय जनता पार्टी की 15 जून को विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हो रही है और ये बैठक लोकसभा चुनाव के बाद बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें करीब हमारे 1350 से अधिक पदाधिकारी प्रदेश भर के इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। मंगलौर विधानसभा में हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। नतीजों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। हालांकि कांग्रेस सिर्फ 449 वोटों के अंतर से जीत सकी है, लेकिन इस जीत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। आपको बताते चले कि आखिरी चरण, चार चरणों में उलटफेर की संभावनाएं भी कांग्रेस की तरफ से जताई गई थी, लेकिन इन सभी के बीच में कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने उपचुनाव में बाजी मारी है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। दोनों सीटें बीजेपी के पार्टी के हाथ से निकल गई हैं। मंगलौर सीट पर फिर से बीजेपी का कभी कब्जा नहीं रहा, लेकिन बद्रीनाथ सीट कई मायनों में खास थी। चुनाव प्रचार में पूरी तरह से ताकत झोंकने के बावजूद भी बीजेपी को बद्रीनाथ सीट से हाथ धोना पड़ा है। बद्रीनाथ और मंगलौर का चुनावी समर बीजेपी के विजय रथ की कड़ी परीक्षा था, जिसमें बीजेपी सफल नहीं हो पाई। मंगलौर सीट पर बीजेपी ने करतार सिंह बढ़ाना को मैदान में उतारा था, लेकिन बढ़ाना कांग्रेस प्रत्याशी कासिम मोहम्मद निजामुद्दीन से मात खा गए। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां पर उत्तराखंड के हरिद्वार, मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने विजय जीत होने पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ जसपुर विधायक के साथ कांग्रेस पार्टी की जीत का जश्न मनाया है और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने कहा कि अभी तो विधानसभा उपचुनाव में दो सीटों पर विजयी की शुरुआत हो चुकी है और तीसरे उपचुनाव भी कांग्रेस जीतेगी। साथ ही नगर इकाई पंचायत चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराया जाएगा। उत्तराखंड में मंगलौर सीट एक हमारे विधायक थे, बसपा के, उनके निधन से खाली हुई थी। और बद्रीनाथ सीट, क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दिया था, दल बदल किया था, इसलिए खाली हुई। तो मंगलौर की जनता की जीत है और मंगलौर ने उत्तराखंड सरकार एक आईना दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने पूरा प्रशासन की जो गुंडागर्दी हो सकती थी वो की, लेकिन मंगलौर की जनता और कांग्रेस के लोगों ने
मतलब अपनी हिम्मत से खड़े रहे और कांग्रेस को विजय दिलाई। ये मंगलोर की जनता की जीत है और बद्रीनाथ से भी जीतने के करीब पहुंच चुके हैं। हल्द्वानी शहर के प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जन डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ एक महिला ने छेड़खानी और घर में घुसकर जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज कराया है। डॉक्टर महेश शर्मा मुखानी स्थित विवेकानंद हॉस्पिटल के मालिक हैं, जिनके ऊपर महिला ने छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच लगातार जारी है। देखिए, एक महिला द्वारा डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है, जिस पर थाना मुखानी ने एफआईआर दर्ज की। ये चूंकि ये पुराना मामला है, नए कानून लागू होने से पहले, तो ये आईपीसी में दर्ज है, 354 में दर्ज है आईपीसी। हाँ, पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हल्द्वानी में विगत 3 दिन पहले पहाड़ों में हुई भारी बारिश में रक्सिया और देवखड़ी नाले का रौद्र शहर वासियों ने देखा है और इस पानी के महावेग को देखते हुए प्रशासन ने भी इससे सटे घरों के लोगों को वहां से हटा दिया था। लेकिन इस इलाके में रहने वाले आकाश नामक युवक इस पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए, जहां 3 दिनों बाद भी आकाश की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया यह भी जा रहा है कि युवक बरेली का रहने वाला है। हल्द्वानी में एक स्थानीय पेट्रोल पंप में काम करता था, जो ड्यूटी से घर लौट रहा था, वहीं मोटरसाइकिल में सवार आकाश तेज बहाव की चपेट में आकर मोटरसाइकिल समेत बह गया है। बहाव कम होने का लगभग 200 मीटर आगे आकाश की मोटरसाइकिल तो मिल गई, लेकिन आकाश का कोई भी पता नहीं चला है, जिसको लेकर प्रशासन संभावित स्थानों पर नहर का पानी रुकवाकर एसडीआरएफ की टीम के साथ में सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। घटना हुई, एक नौजवान लड़का जिसका नाम आकाश था, वो इस फ्लैश फ्लड में बह गया। अभी उसी की ढूंढ खोज विगत 2 दिन से, जिस रात्रि वो बहा था तब से ट्रैक कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम, नगर का प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस बल, नगर निगम, कई स्थानों में देखा, लेकिन अब पूरा ही जांच जो है वो 2 जगह केंद्रित हो गई है। एक वॉकवे के आगे, एक जहाँ पे नाला अंडरग्राउंड संकर आया वहाँ पर, और दूसरा नगर निगम के पीछे जो नहर को अंडरग्राउंड किया है। इसका नाम आकाश, आकाश नाम, पेट्रोल पंप पे काम करता था। उस दिन वो आया है 10:08 से ऑफिस से छूटा है, 10:20 उसने रोटी लिए होटल से, और उसके बाद 10 मिनट के अंदर यहाँ आपदा हो गई। बस मुझे कुछ नहीं, वहाँ 3 दिन होगा, हमें बस अपना भाई चाहिए बस। आईटीआई थाना क्षेत्र में देर रात में एक डंपर अनियंत्रित होकर बहला नदी में जाकर गिरा। हादसे के बाद में डंपर चालक ने बमुश्किल अपनी जान बचाई है। डंपर चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डंपर मालिक ने भी बताया कि डंपर चालक युवक काशीपुर में से डंपर लेकर कुंडेश्वरी स्थित स्टोन क्रशर जा रहा था, उसी दौरान यह हादसा हो गया है। मामला सर ऐसा हुआ, मेरी गाड़ी काशीपुर से आ रही थी, कुंडेश्वरी स्टोन क्रशर जा रही थी। उसी बीच आईटीआई से आगे बहला नदी का पुल पड़ता है, वहां पर बहला नदी के पुल पे एक कैंटर वाले ने ओवरटेक किया, जिस कारण मेरी गाड़ी पुल के नीचे जा गिरी। ड्राइवर का नाम है युवराज पाल, युवराज पाल। उसके थोड़ी मामूली चोट आई थी और मैंने रात में उपचार के लिए उसे स्पर्श हॉस्पिटल में भेजा था काशीपुर। फिलहाल वो अब घर पर है अपने, ठीक है। ये सर 11:30 बजे के समथिंग की घटना रही। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार
आज हर संभव प्रयास कर रही है ताकि पहाड़ों पर जल का संचय, संरक्षण और संवर्धन हमेशा के लिए हो सके। जो हमारे स्रोत जो सूख गए हैं, जो नदियां हैं, जो पुराने हमारे जल स्रोत हैं, उनको पुनर्जीवित करने का एक अभियान सरकार ने लिया है, लेकिन ये काम तभी पूरा होगा जब उसमें जन जन का सहयोग होगा। इसलिए हम सबको इसमें अपना योगदान देना होगा। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी नदियां और जल स्रोत हमेशा से ही देश की प्यास बुझा रहे हैं, इन जल स्रोतों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए अपनी नदियों और तालाबों को प्रदूषित होने से बचाने और पानी को संरक्षित करने का संकल्प लें। प्लास्टिक कचरा ना फेंके, ना ही किसी को फेंकने दें। पुराने तालाबों को बचाएं। इसके साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में पानी की हर बूंद को बचाएं, क्योंकि यही है जल संरक्षण का आधार। हमारी छोटी कोशिशें लाएंगी बड़े बदलाव, जैसे कि नल खुला न छोड़ें। अगर कोई नल टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं, चाहे किचन हो या बाथरूम। बेवजह पानी न बहाएं, जब जरूरत ना हो तो नल बंद कर दें। नहाते समय शावर की जगह बाल्टी का प्रयोग करें। साफ सफाई में पानी को व्यर्थ ना बहाएं। बाल्टी और कपड़े से सफाई भी अच्छी होगी और पानी भी बचेगा। सिंचाई के दौरान पानी का प्रयोग समझदारी से करें। पौधों को जरूरत से अधिक पानी ना दें, इससे खेती भी बेहतर होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं, पेड़ पौधे लगाएं। अपनी ये जिम्मेदारी निभाएंगे ना आप? मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए। पानी को बचाएं, भविष्य को सजाएं। स्वागत है आप सभी का, रुख करते हैं खबरों की तरफ। विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पौधारोपण किया गया, प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने शुभारंभ किया है। इस दौरान स्कूल के छात्रों ने फलदार और औषधि पौधे लगाकर उनका ख्याल रखने का भी संकल्प लिया। इस मौके पर प्रधानाचार्य ने छात्रों को कहा कि सबको अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। मीडिया प्रभारी नरेंद्र खुराना ने बताया कि छात्रों ने 100 से भी अधिक पौधे लगाए हैं। हरेला सप्ताह चल रहा है और हरेला सप्ताह के पर्व के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में वृक्षारोपण अभियान भी चला है। इसी क्रम में अपने विद्यालय में भी 1500 करीब छात्र संख्या है, प्रत्येक विद्यार्थी को हमने वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है कि प्रत्येक विद्यार्थी एक एक वृक्ष लगाएगा। वृक्ष लगाएगा ही नहीं, उसकी देखरेख भी करेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग, इस बार गर्मी बेहद बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इस गर्मी का तापमान भी इसी प्रकृति की सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा ही मानव की सुरक्षा, मानव जीवन की सुरक्षा है। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के समर्थक और नेता अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। कांग्रेस के विधायक ने दावा किया था कि वे मंगलौर का विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव लड़ा, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया गया है यह घिनौना है। दूसरी ओर बीजेपी के नेता और समर्थक भी अपनी जीत को लेकर उत्साहित दिखे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बाजी पलट गई और कांग्रेस ये चुनाव जीत गई है। देखिए, सब आत्मविश्वासी होते हैं, हम भी हैं और हम तो ऐसे भी कांग्रेसी हैं, हम तो विश्वास से हमेशा भरे ही रहते हैं। सब भाई लोग हैं, इनके चेहरे की हाव भाव देखिए, खुशियां देखिए, निश्चित रूप से मुद्दे ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। मेरा खुदा इनका भगवान एक है, फिर बोल रहा हूँ, मेरा खुदा इनका भगवान एक है, वो हमारे साथ है।
जिस तरह की परिपाटी हरिद्वार में करने की कोशिश की गई, एक अलग तरीके का चुनाव लड़ाने की कोशिश की गई, देवभूमि को बदनाम करने की कोशिश की, ऊपर वाले ने देखा और शायद उसका आज रिजल्ट आप सबके सामने आएगा कि हम निश्चित रूप से जीतेंगे और बुरा करने वालों का डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है जो समाज को खराब करने का काम करते हैं, आज उनके मुंह पे कालिस पुते। कांवड़ मेले के लिए इस बार सरकार ने 3 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। सरकार और प्रशासन जोर शोर से कांवड़ मेले की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसको लेकर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के सीएसआर भवन में अधिकारियों के साथ कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर बैठक की है। कांवड़ मेले में बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। सीएम धामी ने कहा कि पिछले साल के अनुभव से सीख लेते हुए इस बार कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। इस कांवड़ मेले में आते हैं, हम उनका बहुत उत्साह से, बहुत खुशी से उनका स्वागत करें, उसकी हम तैयारी हर वर्ष करते हैं। और हमने कहा है कि पिछले वर्षों में जो हमारे अनुभव रहे हैं, उन अनुभवों का लाभ लेते हुए, उन अनुभवों से सीखते हुए मेले में जो और अच्छा करना है और अन्य व्यवस्थाएं करनी है, आने वाले किसी भी कांवड़ यात्री को, शिव भक्त कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, उसके निमित्त सभी विभागों का समन्वय बनाकर यहाँ पर काम करना है। पूरे देश में विकसित भारत की नई पहचान, परिवार नियोजन हर दंपत्ति के शान में, विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा हस्ताक्षर अभियान समस्त सरकारी चिकित्सालयों में शुभारंभ किया गया। जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालय में अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन सिंह गहलोत ने आशा वर्करों की एक बैठक साझा कर अभियान को सफलतापूर्वक बनाने के लिए चिकित्सालय के समस्त कर्मचारियों के साथ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। को जागरूक हम आशाओं के माध्यम से कर रहे हैं। हमारी जो आशाएं बहने हैं पूरे गांव-गांव में हर क्षेत्र में जारी हैं। जो टारगेट का बोल है कि हमारे जिनको नसबंदी होनी है, जिनको जरूरत है, जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनके पास जाके उनको मोटिवेट कर रही हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़े में आकर नसबंदी कराएं। इस नसबंदी कराने पर हम लोग महिलाओं को 1400 रुपये और पुरुषों को 2000 रुपये देते हैं। अगर यही नसबंदी प्रसव के 7 दिन के अंदर होती है तो हम उनको 2200 रुपये सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम दिनांक 11 जुलाई से 24 जुलाई तक जारी रहेगा। इसको जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीटों पर मिली हार के कारणों की कांग्रेस समीक्षा करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि हाईकमान की ओर से गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य पूर्व सांसद पीएल पुनिया और सांसद रजनी पाटिल 18 से 20 जुलाई तक 3 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा करेंगी। 20 जुलाई तक प्रदेश कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों से बैठक कर फीडबैक लेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कमेटी गढ़वाल, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा लोकसभा सीट में पार्टी के हार के कारणों की समीक्षा करेगी। कमेटी के सदस्य 5 संसदीय क्षेत्रों के पूर्व सांसद, प्रत्याशी सहित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के साथ बैठक भी करेंगे। हमारी दूसरी सांसद महोदय यहां आ रही हैं। 19 तारीख को वो प्रातः 11:30 बजे से बैठकें लेंगी। 19 तारीख को पूरी शाम तक बैठक लेंगी। 20 तारीख को भी वो ना 18 तारीख को भी बैठक लेंगी और 20 तारीख को भी आधा दिन 2 बजे तक लगभग वो बैठक लेंगी। हर लोकसभा को हमने 2 से 3 घंटे का समय दिया है। वहाँ के कैंडिडेट्स, वहाँ के एमएलए जो कैंडिडेट्स रहे हैं, पूर्व मंत्री, पीसीसी मेंबर्स, एआईसीसी मेंबर, हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट, ब्लॉक अध्यक्ष इत्यादि को बुलाया गया है। वो सभी उसमें प्रतिभाग करेंगे और अपनी अपनी बातें रहेंगे ताकि करेक्ट फीडबैक जो है दिल्ली तक जाए। और अच्छा है, इस तरीके की कार्रवाई होती रहनी चाहिए ताकि कार्यकर्ता और नेता मुस्तैद रहे। दिनेशपुर में पूर्व सैनिकों ने कठुआ में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। कठुआ में आपको बताते चले कि उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हुए थे, जिसको लेकर पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जिला अध्यक्ष
नंदन सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में चक्की मोड़ रामलीला मैदान में कैंडल जलाकर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आतंकियों की कायरतापूर्ण हरकत का सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश पूरे विश्व में अपने झंडे गाड़ रहा है। हमारे देश का नाम पूरे विश्व में आज प्राथमिकता से लिया जा रहा है। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, हमें वहाँ पर ब्लू कार्पेट दिया जाता है, जिससे कि पाकिस्तान बहुत पूरी तरह बौखलाया हुआ है। उसकी साफ साफ मानसिकता यहाँ दिखाई दे रही है कि वो अपने आतंकियों को यहाँ पर हमारे भारत में घुसेड़ता है और उसके बाद किस तरह की कायराना हरकत कराता है, जिससे हमारे देश का जवान हताहत हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं सरकार से मांग करता हूँ कि एक बार कम से कम इसका दमदार तरीके से मुंह तोड़ जवाब हमारे सैनिकों द्वारा उनको दिया जाए कि एक बार यहाँ दोबारा घुसपैठ करने से पहले 10 बार सोचें, एक और सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता है। सर्वप्रथम तो जैसा कि विदित है 8 जुलाई लगभग 3:30 बजे अपराह्न एक मैसेज आता है कि अमुक जगह पर कुछ उग्रवादी सक्रिय हैं। उस दौरान हमारी ये जाबाज सैनिक टोली वहाँ के लिए मार्च करती है और सर्च ऑपरेशन के दौरान बस से ग्रेनेड फेंक करके और जिस डेढ़ टन में वो लोग हमारे जेसीओज एनसीओज और जवान थे उसका टायर ब्रस्ट करके। राजपुर में इतना ही, नमस्कार।